बिहार में कदाचार कानून रोकने के लिए अब बिहार सरकार उठाने जा रही है कठोर कदम, और इससे खास करके पेपर लीक करने वाले गिरोहों कसी जाएगी कड़ी नकेल। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। नीट पेपर लीक मामले को लेकर लगातार एक से बड़े एक खुलासे हो रहे हैं। अब इन खुलासों को लेकर बिहार सरकार जो है वो काफी ज्यादा सख्त हो गई है। बिहार सरकार पेपर लीक मामले को लेकर अब नए कानून बनाने जा रही है। इस कानून के तहत जितने भी खास करके मुन्ना भाई जैसे लोग जो हैं उनके ऊपर खास गाज गिरती हुई नजर आएगी। नीट और शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने के बाद बिहार सरकार भी अब एक्शन दिखा रही है। बिहार सरकार ने अपने प्रतियोगी परीक्षाओं के कदाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एक कड़ा कानून बनाने की योजना बना रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर पूछे गए एक सवाल में के जवाब में कहा है कि जांच चल रही है और इनमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने आगे कहा है कि बिहार सरकार ऐसे मामलों को रोकने के लिए एक सख्त कानून लाने जा रही है। भारत सरकार ने सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के मकसद से एक कड़ा कानून लागू कर दिया है, जिसके तहत दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 वर्ष की सजा और 1 करोड़ रुपए का दंड दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा है कि आगे विधानमंडल सत्र में हम लोग भी एक कठोर कानून व्यवस्था लाने वाले हैं। सरकार स्पीड ट्रायल चलाकर 3 से 6 महीने में आरोपी को सजा दिलाने का भी काम करेगी। उल्लेखनीय है कि नीट प्रश्न पत्र लीक मामले कितार बिहार से जुड़े हैं, इसे लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। इससे पहले बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आज आयोजित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 3rd चरण के भी पेपर लीक हुए थे, जिसके बाद ये परीक्षा जो है वो कैंसिल कर दी गई थी। सरकार अब ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए काफी ज्यादा तत्पर दिख रही है। तो देख रहे हैं कि नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर बिहार सरकार भी अब काफी ज्यादा एक्शन मोड में है। बिहार सरकार इतना ही नहीं कह रही है, बिहार सरकार ये भी बताते हुए नजर आ रही है कि जो भी प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं इसके लिए जो है वो बिहार सरकार कानून लाएगी और उस कानून के तहत कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। दरअसल नीट पेपर लीक मामले के बाद सरकार की तरफ से कानून जो लाई गई है उस कानून के तहत अगर कोई भी आरोपी पाया जाता है तो सबसे पहले उसे 10 साल की सजा होगी और 1 करोड़ रुपए जो है उसे जुर्माने के तौर पर देना होगा। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में बिहार सरकार क्या कुछ कानून व्यवस्था लाती है नीट पेपर एग्जाम को लेकर, जो लगातार जो एग्जाम पेपर लीक हो रहे हैं उसको लेकर, साथ ही साथ बिहार में तमाम जितने भी पेपर लीक के मामले निकलकर जो सामने आए हैं उन मामलों पर अंकुश लगाने के लिए बिहार सरकार क्या कुछ करती है। कहते हैं कि नीट पेपर लीक मामले के बाद बिहार सरकार भी काफी ज्यादा एक्शन मोड में नजर आ रही है। लगातार नीट पेपर लीक के मामले जो है वो उनके जो तार है वो बिहार से जुड़ रहे हैं। इसको लेकर बिहार सरकार जो है वो नए कानून लाएगी और नए कानून के तहत 3 से 6 महीने के भीतर जो ट्रायल के अंदर ही जो है उन्हें सजा देने का भी प्रावधान किया जाएगा। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना।